दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान भर में भी खवातीन का आलमी दिन मनाया गया। शिमला पहाड़ी से फ्लैटिस होटल तक रैली निकाली गई, जिसमें सिविल सोसाइटी के अफराद के अलावा खवातीन के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों के अरकान, मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे थे। खवातीन की जानिब से मार्च में रक्स किया गया और नारेबाजी भी की गई। शुरका का कहना था कि इस्लाम खवातीन के हकूक के तहफ्फुज का सबसे बड़ा अलमबरदार है। खवातीन की इज्जत और तकरीम का तहफ्फुज हमारी इज्तमाई जिम्मेदारी है। वुमेन डे का मकसद इनकी सलाहियतों का इकरार करना है। हमें माशरे में खवातीन की अहमियत को उजागर करते हुए इन्हें मजीद मुस्तहकम करना होगा। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से भी जेल रोड पर खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से रैली निकालेगी। इस मौके पर चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर अमारा अतर ने कहा, जिंदगी के किसी भी शोबे में खवातीन की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रैफिक पुलिस में खवातीन की बड़ी तादाद शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज यकीनी बनाए हुए हैं और लेडी वार्डन एजुकेशन टिकटिंग लाइसेंसिंग दफातर में इंतहाई अहसन तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। लेडी वार्डन्स ना सिर्फ सड़कों दफातर हाय में वार्डन्स के शाना बशाना अपना किरदार अदा किए हुए हैं। मेगा इवेंट, मजहबी त्यौहार, क्रिकेट मैच हो या रोड सेफ्टी का मामला, लेडी वार्डन्स हर तरफ शहरियों की खिदमत करती हुई नजर आती है। लेडी वार्डन्स कई शोबों में मर्द वार्डन से बेहतर कारकर्दगी दिखा रही है। उनका कहना था, आइए आज हम खवातीन के हकूक के तहफ्फुज और उन्हें बाख्तियार बनाने के अज़्म का तजदीद करें। सीटीओ अमारा अतर ने कहा, आइए आज हम खवातीन के हकूक के तहफ्फुज और उन्हें बाख्तियार बनाने के अज़्म की तजदीद करें। काशिफ भट्ट, रिव डिजिटल।